नमस्कार दोस्तों, इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं, रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है ग्रीन क्लाइमेट फंड के ऊपर। टॉपिक है हमारा ये बायोडायवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट का जीएस पेपर 3 का, और हमने सोर्स यहाँ पे लिया है डाउन टू अर्थ। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे रिसेंटली अभी हुआ क्या है। एक स्टडी में यहाँ पे बताया गया है कि जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है जिसे प्रोवाइड किया जाना है उन कंट्रीज को जो काफी वल्नरेबल हैं यहाँ पे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, और उसके लिए जो फंडिंग होनी है वो हो सकती है कि मिस हो जाए। उसके लिए जो टोटल फंडिंग आनी है वो यहाँ पे मिस होने के चांसेस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो हमें ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में थोड़ी सी चीजों को जानना होगा। तो सबसे पहली चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ये किसके द्वारा बनाया गया है। ये बनाया गया है आपका यूएनएफसीसी के द्वारा, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज के अंडर है। यूएन बैक्ड फंड है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा बैक्ड फंड है ये, और इसमें डेवलपिंग कंट्रीज को यहाँ पे अडॉप्टेशन और मिटिगेशन इन दोनों के लिए यहाँ पे पैसा दिया जाएगा ताकि वो बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपना सकें और क्लाइमेट चेंज से यहाँ पे होने वाले नुकसान से बच सकें। इसे 2010 में फॉर्म किया गया था और इसकी शुरुआत जो की गई थी वो असल में कोपेनहेगन अगॉर्ड जो था COP15 का, उसके अंदर यहाँ पे इसकी बात हुई थी। बट इसकी फॉर्मेशन जो है वो फॉर्मली यहाँ पे COP16 कैनकम में यहाँ पे की गई थी। अगर हम बात करें, वर्ल्ड बैंक यहाँ पे ट्रस्टी के तौर पे इसका काम करता है टेम्परेरी, और इस पूरे फंड को मैनेज करता है। आगे बात करते हैं, हेडक्वार्टर इसका यहाँ पे साउथ कोरिया में है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। और इसके अंदर यहाँ पे $100 बिलियन का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की बात की गई है 2020 तक इस फंड में डालने की, और इसमें ये फंड में पैसा डालेंगे डेवलप्ड कंट्री, ताकि जो कंट्रीज हैं, दूसरी कंट्रीज हैं, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, या फिर वल्नरेबल कंट्रीज हैं, वो यहाँ पे इन अडॉप्टेशन और मिटिगेशन तरीकों को अपना के क्या कर सके, अपने आप को क्लाइमेट चेंज से होने वाले नुकसान से बचा सके। सबसे मेन बात है किस तरीके से फंडिंग आएगी, कोई खास क्लियरिटी नहीं है यहाँ पे। और सबसे मेन बात हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि कैनकम समिट में यहाँ पे COP16 के अंदर 2010 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। तो चलिए देखते हैं न्यूज से रिलेटेड सारे पॉइंट्स को हम। तो क्लाइमेट फाइनेंसिंग का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है ताकि किसी भी तरीके से यहाँ पे जो नुकसान होने वाले हैं उसे कम किया जा सके, और इसके लिए पब्लिक, प्राइवेट और किसी भी तरीके के अल्टरनेट सोर्स का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। बात करें GCF के बारे में, तो ये एक लार्जेस्ट व्हीकल है क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए UNFCCC का, और इसका जो यहाँ पे आइडिया था वो कोपेनहेगन अगॉर्ड में यहाँ पे आया था। नेक्स्ट आगे बात करें, इसके अंदर यहाँ पे मैंडेट रखा गया है कि 50% जो इन्वेस्टमेंट है वो मिटिगेशन में जाएगा और 50% यहाँ पे अडॉप्टेशन फंड में यहाँ पे दिया जाएगा। और इसका जो मैक्सिमम हाफ फंड है वो यहाँ पे वल्नरेबल कंट्रीज को, यानी उन कंट्रीज को दिया जाएगा जो स्मॉल आइलैंड कंट्रीज हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री हैं और अफ्रीकन कंट्रीज हैं, इनको यहाँ पे दिया जाएगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा यहाँ पे वल्नरेबल हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड किसी भी टेक्नोलॉजी को लाने के लिए काफी ज्यादा पैसा खर्च होता है। 154 कंट्रीज यहाँ पे एलिजिबल हैं इस फंडिंग के अंदर। आगे बात करते हैं, अगर हम देखें तो 54% जो यहाँ पे फंड है वो यहाँ पे LDC, SIC और अफ्रीकन कंट्रीज को दिया गया है। तो कम से कम ये वाला मैंडेट जो है पूरा हो रहा है, बट यहाँ पे टोटल फंडिंग जो है उसका इशू यहाँ पे बना हुआ है। अगर हम ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही पॉइंट हमें ध्यान रखना है, 2010 में बाय UNFCCC COP16 कैनकम के समिट में यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन हुई थी। कम्युनिटीज को हेल्प करता है, डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करता है ताकि ग्रीन हाउस गैस के एमिशन के लॉसेस से वो बच सके। कुछ इशू है, पहली बात यहाँ पे बहुत लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, रीजनल डिस्पैरिटी बहुत सारा देखने को मिलती है क्योंकि अफ्रीकन नेशन में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं, और हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी का फैक्टर भी हमेशा यहाँ पे मायने रखता है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज ये कहती हैं कि हमने जो किया किया, अब आप भी यहाँ पे क्या करें, ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कम करें। और यहाँ पे लीस्ट डेवलप्ड कंट्री या डेवलपिंग कंट्रीज कहती हैं कि आपने बहुत ज्यादा किया था, हम आपके रिस्पेक्ट में तो अभी कुछ भी नहीं कर पाए हैं। चलिए आगे बात करते हैं, 100 बिलियन का यहाँ पे पूरा ये पूल है मनी का, जिसे क्रिएट करने की बात की गई है। आगे बात करते हैं, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं क्योंकि बहुत सारा यहाँ पे कैटेगराइजेशन डाइवर्सिफिकेशन कर दिया गया है फंड की, और कैटेगराइजेशन जो हुआ है वो भी यहाँ पे बहुत गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी जो है उसे यहाँ पे सही तरीके से एडुकेट तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। अगर हम बात करें यहाँ पे देखा जाए तो ऐसी कुछ कंट्रीज हैं जिनमें यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे चल रहे हैं, चाहे से वो अफगानिस्तान हो या फिर दूसरी ऐसी कंट्रीज जहाँ पे इस फंड की जरूरत है, पर वहाँ पे उन्हें प्रॉपर फंड या यहाँ पे प्रोवाइड नहीं हो रहा है। इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये कंट्रीज के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो सही तरीके से गवर्नेंस और बाकी सब चीजों को प्रोवाइड कर सके। उनके वीक इंस्टीट्यूशन की वजह से वो इन फंड्स का सही तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन या इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। चलिए आगे और बात देखते हैं, यहाँ पे कुछ कंट्रीज हैं जो अपनी गवर्नमेंट की कैपेसिटीज जिनकी अच्छी है वो अच्छा काम कर रहे हैं, बट कुछ कंट्रीज हैं जैसे इरित्रा, सोमालिया, यमन, जहाँ पे उनकी वीक कैपेसिटी की वजह से वो इस फंडिंग का सही तरीके से फंड पा भी नहीं रहे और इस्तेमाल कर भी नहीं पा रहे। ऑक्सफैम की अगर रिपोर्ट से देखें, और यहाँ पे अगर हम बात करें
तो केवल यहाँ पे फिफ्थ ऑफ ऑल जो क्लाइमेट फंडिंग है वो 1/5 फंडिंग यहाँ पे एलडीसी को जा रही है और 3% जो है एसआईडीसी को जा रही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमारी रिलेट इससे करती थी। अगर हम इसके इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस की बात करें तो आम बात है वल्नरेबल कंट्रीज के लिए बहुत फायदेमंद होगा, साथ में क्लाइमेट चेंज के इश्यूज को रोकने के लिए ये मदद करेगा। उसके बाद यहाँ पे अडॉप्टेशंस और मिटिगेशंस की स्ट्रेटजीज को अपनाने में फायदा करेगा और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा प्लानिंग और प्रोग्रामिंग में, क्योंकि पैसा आएगा तभी ये चीजें हो पाएंगी। क्लाइमेट इनोवेशन के बारे में यहाँ पे लेके आएगा, ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन होंगे, बिजनेस मॉडल्स डेवलप होंगे, टेक्नोलॉजीज डेवलप होंगी और यहाँ पे किसी ना किसी तरीके से हमें यह भी सोचना होगा कि किस तरीके से यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं उनका लॉस यहाँ पे कम हो। आगे बात करते हैं, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड फैक्टर्स को हमें थोड़ा और यहाँ पे मजबूत करना होगा जो फंडिंग के थ्रू यहाँ पे हो पाएगा। अगर हम बात करें वे फॉरवर्ड की तो यहाँ पे यूएनईपी जो इसके बारे में बात करता है कि अडॉप्शन जो है एनुअल अडॉप्शन की जो रिक्वायरमेंट है क्लाइमेट से रिलेटेड लड़ने के लिए वो $140 बिलियन की यहाँ पे जरूरत है, जो $300 बिलियन तक 2030 तक पहुंच जाएगी और 280 से 500 तक पहुंच जाएगी यहाँ पे 250 तक। और यहाँ पे हम केवल बात कर रहे हैं $100 बिलियन की, तो यहाँ पे अभी पैसा काफी कम है और इस पैसे को और बढ़ाने की जरूरत है और हमें यहाँ पे जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा हम कैपेसिटी बिल्डिंग की चीजों को आगे मजबूत करें, प्रोसेस को बहुत सिंप्लीफाई करें और चीजों को यहाँ पे मजबूत करते चलें ताकि इन कंट्रीज की ये प्रॉब्लम यहाँ पे रिजॉल्व हो सके। तो आज के सेशन में इतना ही दोस्तों, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।